अभी जो तुम्हारे पास टाइम है इसे लड़कियों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि एक ओडी वाला बंदा कभी सिंगल नहीं होता। इसलिए खुद को सफल बनाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि ना त्योहार याद रहे ना ही कोई शादी। उस दिन से हर दिन त्योहार होगा जब मिल जाएगी तुम्हें कामयाबी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें हर दिन सीखते रहना होगा, क्योंकि सफल लोग कितना भी सीख ले लेकिन वो और सीखने से पीछे नहीं हटते, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें ऐसी कोई काम की बात पता न चल जाए जो उन्हें ना पता हो। और एक बात, दुआ करो कि आज आपको बीते हुए कल से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स इंसान को पहले से ज्यादा स्ट्रांग करती है। पता है, जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बेशक संघर्ष के इस दौर में बहुत ठोकरें लगेंगी, लेकिन इससे संघर्ष करना मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस शख्स को गिराना, अरे जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। दुनिया की हर चीज ठोकरें खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकरें खाकर ही मिलती है। चाणक्य हमेशा कहते थे, जो बड़ी सोच रखते हैं वो शब्दों से अपनी बेइज्जती का जवाब देने में समय व्यर्थ नहीं करते। केवल मंद बुद्धि लोग ही शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी एनर्जी को, अपनी आग को सपनों को पूरा करने में लगाते हैं, और जो बेइज्जती उनके दिमाग में छप जाती है फिर उसी से इतिहास छपता है। अरे मैंने देखा है, जिन लोगों को दुनिया बेवकूफ मानती है वो लोग जब अपना करियर बनाने पे आते हैं तो करियर नहीं इतिहास बनता है। दोस्त उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने बेइज्जती को सुना और सहा है। इसलिए यहाँ गलती भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है यारा, यहाँ तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। तो अब कहीं भी तुम्हारी बुराई हो रही हो तो दो तरह से सोचना, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। कम से कम बुराई करने वाले मीठा बोलने वाले से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए हमेशा होशियार रहना। मीठा बोलने वाले हनी नहीं हानि देते हैं। आपकी झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। क्या खूब कहा है किसी ने, मेरे अपने ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ मैं तैरना सीख गया। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से काम रखने लगा हूँ मैं। मुझे पूरा भरोसा है आप एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन जिंदगी में जब सफल हो जाओ तब कभी गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, ठीक वैसे ही गुरूर में रहकर वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, अभी बुरे वक्त में बस मेहनत कर, तेरा भाई वादा करता है तेरा भी एक दिन जरूर आएगा, और जो नहीं देते जवाब अभी उनके सलाम आएंगे। बस वक्त बदलने तक मेहनत कर, तेरे नीम में भी आम आएंगे। जो तुझे छोड़कर गए हैं तुम्हें आज तुम्हारे हालातों को देखकर आज खुद से एक वादा कर लो, वो सब मिलने को तरसेंगे तुम्हारी कामयाबी देखकर। मैं हूँ कैलाश रौतेला, सीधी जलेबी मोटिवेशन का क्रिएटर, और वादा किया है मैंने खुद से, खुद को और अपने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाने का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।